शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं कल 6 अगस्त 2023 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले पंचांग को देखेंगे। देखिए कल का जो दिन होने वाला है वो श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ेगी और चंद्रमा जो रहेंगे रेवती नक्षत्र में 1:43 तक रहने वाले हैं। इसके बाद ये अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा मीन राशि के उपरांत, मतलब मीन राशि के उपरांत ये मेष राशि में संचरित भी करने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए कल का दिन ओवरऑल अच्छा रहेगा, बिना किसी के मदद से धन कमाने में आप सक्षम भी रहेंगे और खुद पर आपको विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपनी बातों से कई लोगों को आप प्रभावित भी करेंगे और आने वाला समय इसके मतलब ऐसा इस कार्य के थ्रू आपका आने वाला समय और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कल कुल मिलाकर 70% तक का समय अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ अंक 1 और शुभ रंग आपका पीला बन रहा है। उपाय के लिए गौ माता की आपको कल के दिन सेवा करनी चाहिए। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कल भावात्मक रूप से कहा जाए तो अधिक संवेदनशील रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं। जीवन साथी की सहायता से भविष्य के लिए आप कुछ फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं। मित्रों के साथ अकस्मात घूमने का के लिए भी आप कुछ योजना बनाएंगे। परिवार का दिन जो रहेगा ओवरऑल अच्छा बीतेगा। कार्य व्यवसाय में सफलता मिलने की पूरी संभावना कल के दिन दिख रही है। कल का दिन हालांकि 77% तक अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। शुभ अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी कल का बनकर आ रहा है। उपाय निश्चित रूप से नोट कीजिएगा, कल के दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और भगवान पर आपको विश्वास निश्चित रूप से बनाकर चलना चाहिए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन की शुरुआत जो रहेगी वो सामान्य रहेगी, स्वास्थ्य भी सामान्य रहने वाला है। संध्या काल के बाद आर्थिक लाभ के योग अकस्मात बन रहे हैं। कल नए विचारों से परिपूर्ण आप रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए तो जीवन साथी के बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, एकदम से अगर आप इग्नोर करते हैं तो प्रभावित हो जाइएगा और निगेटिव रूप से संबंध जो है गड़बड़ होंगे। अपने वाणी को संयमित रखना चाहिए, नहीं तो कोई विवाद हो सकता है। कल कुल मिलाकर 80% तक का दिन फिर भी अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग जो है वो भूरा बनकर आ रहा है। उपाय के लिए पक्षियों को 5 प्रकार के अन्न को मिलाकर अगर आप दान देते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। कल परिवार के सदस्यों के साथ स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, ये थोड़ा एक निगेटिव हो सकता है कल के दिन। धन खर्च के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित भी रहेगी जो तनाव का कारण भी बन सकती है। मित्रों एवं आपके परिजनों के साथ मौज मस्ती अगर आप करना चाहते हैं तो कल अच्छा दिन रहेगा। रुके हुए कार्य को पूर्ण भी कर लेंगे। कुल मिलाकर 85% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपका 6 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं।
देखिए कल आपको इमोशनल नहीं रहना चाहिए, अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। छोटी यात्राएं भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाले रिजल्ट देंगे। जीवन साथी के साथ आप एक अच्छे समय को व्यतीत कर पाइएगा, मतलब जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर रहेंगे, और कल का दिन जो है 82% तक फिर भी अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए कन्या लग्न वाले जातकों का अगर स्वास्थ्य कहा जाए तो कल ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। आप अपने नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे तथा ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। अपने इस ऊर्जा का प्रयोग आप कार्यों में भी करेंगे और खर्चों में बढ़ोतरी आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकती है। फाइनेंशियली रूप से आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जीवन साथी के कारण परिवार का संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है और मित्रों से भी कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 88% तक फिर भी अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक 3 और शुभ रंग नारंगी बन कर आ रहा है। उपाय के लिए विष्णु जी की अगर आप आराधना करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन तुला लग्न वाले जातकों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में हालांकि बढ़ोतरी के योग बन रहे, प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलने से आपका जो उत्साह रहेगा डबल हो जाएगा और कार्यों में आपके प्रशंसा भी की जाएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कल का दिन ओवरऑल 84% तक अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 और शुभ रंग हरा बनकर आ रहा है। कल के दिन दुर्गा माता को अगर पुष्प अर्पित करते हैं, लाल रंग का पुष्प अर्पित करते हैं तो कल का दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न वाले जातकों की बात किया जाए तो दिन जो रहेगा बहुत ही शांतिपूर्वक बीता हुआ दिखाई देगा। किसी परिजन या मित्र की सहायता से आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों के साथ घूमने का आप आनंद ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वो मधुर रहेंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। कल कुल मिलाकर 68% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। कल के दिन केसर का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। धनु लग्न की बात करें। देखिए लंबे समय से चली आ रही भाग दौड़ जिंदगी से आपको कुछ परेशानियां जो चल रही थी वो खत्म होंगी, जिसके कारण आपका जो दिन रहेगा थोड़ा अच्छा व्यतीत होगा। कल बहुत सारी परेशानियां अकस्मात खत्म होगी और परेशानियों से मुक्ति मिलने के कारण दैनिक जीवन में आपको सफलता भी कल के दिन मिलेगी। अपने परिवार के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कल के दिन आपको करना पड़ सकता है, उसके बाद ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा जरूर करें। जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है कल के दिन। कल का दिन 77% तक का अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। किसी गरीब बच्चों की शिक्षा में अगर कल के दिन मदद कर देते हैं तो आर्थिक उन्नति भी होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। मकर लग्न की बात करें। देखिए जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रहेंगे और आपके कार्य जो होंगे प्रभावित रहेंगे। आपका स्वास्थ्य हालांकि सामान्य रहेगा लेकिन परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति कल के दिन देखने को मिलेगी और आर्थिक उन्नति के लिए लगातार आपको प्रयास करना ही पड़ेगा और आप लगे भी रहेंगे। नौकरी कर रहे जातकों के लिए पदोन्नति के योग कल के दिन बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 70% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग काला बन रहा है। उपाय के लिए कल किसी धार्मिक या शुभ कार्यों में अपना योगदान जरूर कीजिएगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं।
देखिए कुंभ लग्न वाले जातकों का दिन उत्तम साबित होता हुआ कल के दिन दिखाई दे रहा है। यात्रा आपको थकान का अनुभव हालांकि करा सकती है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये पॉजिटिव रहने वाला है। मित्रों के साथ एक यादगार शाम आप व्यतीत कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आपके नेतृत्व करने की क्षमता से लोग आप प्रभावित रहेंगे। कुल मिलाकर कल का दिन 70% तक अच्छा रहेगा और कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल बनकर आ रहा है। उपाय के लिए गरीबों की सहायता अगर आप करते हैं तो कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए मीन लग्न वाले जातकों का दिन ओवरऑल अच्छा बीतेगा। किसी नए प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में परिवार का सहयोग जरूर आपको कल मिल सकता है। संतान की शिक्षा पर धन ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। घर के माहौल के कारण आप थोड़ा उदास भी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ चल रहे हैं, हालांकि मतभेद खत्म होते हुए नजर आएंगे। मित्रों के साथ अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जाइए, अच्छा रहेगा। 82% तक का दिन आपके लिए अच्छा है दिखाई दे रहा है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग नीला बन रहा है। सूर्य देव की कल के दिन आराधना करनी चाहिए जिससे कि मानसिक तनाव आपका दूर हो। तो ये था कल 6 अगस्त 2023 अधिक मास श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और उसका लगन फल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।